अमेज़ॉन प्राइम की एक और आधी पकी हुई सीरीज़। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हश हश। ये सीरीज़ इसी पास्ट वीक अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ के निर्माता हैं विक्रम मल्होत्रा, जिन्होंने लास्ट मूवी जलसा बनाई थी, वो भी अमेज़ॉन प्राइम के लिए ही बनाई थी, और इस बार तो इन्होंने कलाकारों का ही जलसा लगा लिया है। सीरीज़ में जूही चावला, सोहा अली खान, शहाना गोस्वामी, करिश्मा तन्ना, कृतिका कामरा, विभा छाबड़ा और आयशा जुल्का हैं। वैसे 90s की हीरोइन ने आजकल OTT से कमबैक करने का ट्रेंड बना लिया है, फिर चाहे वो सीरीज़ की स्टोरी कैसी भी हो। खैर, सीरीज़ की कहानी का 1978 में बंधा सिरा धीरे धीरे वहाँ तक आता है जहाँ मामले की तहकीकात करने एक मजबूत सी दिखती महिला पुलिस ऑफिसर आ जाती है, यानी करिश्मा तन्ना। उसकी ऑफिसर उससे भी ज़्यादा खर्राट महिला है। मामला बहुत अच्छा जम जाता है और फिर बीच में एक और महिला आ जाती है। पहले से ही Page 3 जैसी होती जा रही सीरीज़ में अब अमीरी और गरीबी के बीच चीरहरण भी जुड़ जाता है। बेसहारा बेटियों को पनाह देने के किस्से हैं, और जाहिर है अब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बिहार के वैसे किस्सों तक भी जाएगी जैसे किस्से ने महिला छात्रावास से होने वाले देह कारोबार की खुली कड़ियों ने पूरे देश को हिला दिया था। और सच पूछा जाए तो ये सीरीज़ भी उसी कांड से लिंक रखती हुई कुछ वैसी ही बनाई है। सीरीज़ का सबसे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों ही उसकी स्टोरी है, क्योंकि बनाने वाले को स्टोरी को ठीक से प्रेजेंट करना आया ही नहीं। शुरुआत के 2 एपिसोड तो ऐसे चलते हैं कि बोरियत की हद हो जाती है। 3rd एपिसोड में जाकर कहानी कुछ इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है तो ऐसा लगता है कि अब कहानी कुछ बढ़िया बनेगी, लेकिन यहाँ एक वीक स्क्रीन प्ले ने बची हुई पूरी कसर भी निकाल डाली। सीरीज दर्शकों को अपने साथ बांधने में पूरी तरह नाकामयाब हो जाती है। ऐसे में एक्टर्स कितनी भी बढ़िया एक्टिंग कर लें, लेकिन जब तक सीरीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता लोग उससे बोर हो ही जाते हैं। हश हश का ओवरऑल प्लॉट देखा जाए तो बहुत मजबूत था, बस कमी थी तो इसे ठीक ढंग से परोसने की, और वहीं मेकर्स फेल हो गए। पूरी सीरीज़ में अगर किसी ने थोड़ा सा ठीक काम किया है तो वो है करिश्मा तन्ना। ये जब जब पर्दे पे रहती हैं सीरीज़ की कहानी तभी आगे बढ़ती है, वरना कहानी बुरी तरह से रेंग ही रही होती है। जूही चावला और सोहा अली खान इस सीरीज़ की सबसे सीनियर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, लेकिन उनके हिस्से भी जो सीन्स आए वो बहुत ही बोरियत भरे थे, ख़ास तौर से जूही चावला के। उनको स्क्रीन पर देखने पर तो पूरी नींद ही आ जाती है, उनकी इम्प्रेशनलेस एक्टिंग बहुत ही बोर करती है। शहाना गोस्वामी और कृतिका कामरा ने अपने लिए OTT पर अब बहुत बढ़िया जगह बना ली है, दोनों का काम यहाँ भी अच्छा है, लेकिन कलाकारों की इस भीड़ में कहानी शुरुआती एपिसोड के बाद एक बार जो बिखरनी शुरू होती है तो 7th एपिसोड तक आते आते जब इंटरेस्ट बनना शुरू होता है तो सीरीज ही ख़त्म हो जाती है। हो सकता है लिखने वालों का आपस में तालमेल ठीक से ना बैठ पाने की वजह से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ में कहीं इंटरेस्ट बनता ही नहीं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा बनना शुरू होता है वहीं ऐसा लंबा बोरियत भरा सीन आ जाता है कि सारा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि सीरीज़ के ठीक एंड में जावेद जाफरी की एंट्री करके उन्होंने इसके Season 2 को लाने की उम्मीद भी दिखा दी है। अब आगे भगवान मालिक। बाकी मेरा इसके मेकर से यही कहना है कि इसका नेक्स्ट सीज़न जब भी लाएं, बस राइटर्स का तालमेल ठीक से बैठा कर लाएं, वरना फिर से एक अच्छी कहानी का ओवरऑल रायता बन जाएगा। बाकी कैमरा, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम सब ऐसी सीरीज़ में एक ही जैसा अब दिखने लगा है। प्राइम वीडियो को हिंदी में अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए कामकाजी महिलाओं की कुछ और दिलचस्प कहानियाँ चुनने की ज़रूरत है, जैसे 4 More Shots था। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।